हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर। जो फ्रेंड्स, एमएससी नर्सिंग के पेपर होने वाले हैं, साथ में बीएससी नर्सिंग के भी पेपर होने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के जो पेपर दिला रहे हैं ना, उनके तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है और उसको ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो एक बार कम से कम आप प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर देखकर ही जाइए। मैं अपने इस चैनल पे 10 साल के क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगी। आज ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, ऐसे ही 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग, सभी के लिए काम आने वाले हैं, जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम आप दिलाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपने ऐसा किया है तो नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा आपके तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना फ्रेंड्स, ताकि आप लोग के फ्रेंड लोग का भी हेल्प हो जाए, है ना। आप जितना ज़्यादा दूसरों का हेल्प करोगे भगवान आपके साथ अच्छा करेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों का हेल्प ज़रूर करना। चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा आयतन विस्तारक है। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज हीमोसिल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ बी। मैं सिर्फ आंसर बताऊँगी फ्रेंड, डिटेल आपको पढ़ना है तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी, फूड रेस्ट। अ सिस्टम ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर टू डाइंग पेशेंट इज नोन एज हॉस्पिस केयर, ठीक है। तो जहाँ पे वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है, देखभाल की जाती है, उसको वृद्धाश्रम, धर्मशाला या हॉस्पिस केयर बोला जाता है, ठीक है। वन ऑफ दीज बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर द ह्यूमन बींग, तो करेक्ट आंसर इज ई कोलाई ए। वन ऑफ दीज बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल, ए सेम क्वेश्चन हो गया। कोविड 19 डिजीज इज कॉज्ड बाय, ठीक है, तो SARS-CoV-2, ठीक है। ये वायरस की वजह से जो है कोविड 19 होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। लास्ट के दो मैं बताती हूँ, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और आगे के दो आप कमेंट कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बैक्टीरियल ग्रोथ आर, ठीक है। तो कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, तो वार्म, मॉइस्चर, पीएच लेवल एंड ऑक्सीजन लेवल। जैसे हमें ये सब की ज़रूरत होती है, वैसे ही बैक्टीरिया के भी ग्रोथ करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन एन एडल्ट द हार्ट नॉर्मल पम्प, ठीक है, तो हार्ट जो है नॉर्मली पम्प कितना ml ब्लड करता है, तो 5000 ml पर मिनट, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट समथिंग इसी के करीब जो है आपका आंसर आएगा, 5040 ऐसा कुछ आपका आंसर इसका रहता है। तो जो नियर बाय आपका ऑप्शन है उसी को ही सिलेक्ट करना होता है फ्रेंड्स, है ना। विच ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग विल द नर्सेस आइडेंटिफाई वाइल असेसिंग अ क्लाइंट विथ फीवर, ठीक है। तो अगर कोई आता है हमारे पास कि उसको फीवर है, है ना, तो उसके साथ में उसका पल्स भी बढ़ा रहता है, तो टैकीकार्डिया इज करेक्ट आंसर। When admitting a person to hospital, the nurse have many responsibility which include the following except, ठीक है। तो बहुत सारी responsibility होती है, तो किसको छोड़ेंगे हम, कौन सी nursing की responsibility नहीं है, तो meeting physically emotionally need of the relatives, care of the belonging, record keeping, introduction and orientation, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो अपन करते हैं, बट उसके रिलेटिव से अपन को ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, है ना। वन ऑफ दीज इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइव वैक्सीन, तो MMR इज लाइव वैक्सीन, ऑल दिस इज स्किल्ड वैक्सीन, ठीक है। टू बी इफेक्टिव ऑटोक्लेव मस्ट रीच एंड मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन के बारे में आप सब जानते हैं, तो उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पे होता है 30 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट का टाइमिंग होता है ऑटोक्लेव का, और इसका प्रेशर आपका होता है 15, है ना, 15 होता है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन बिकॉज इट किल, है ना, ये एल्कोहल कौन सा है, स्पिरिट होता है। इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिजॉल्विंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल। नेक्स्ट चलते हैं, द सलाइवरी एंजाइम अमाइलेज फंक्शंस टू डाइजेशन, ठीक है। तो अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके क्या बनाता है, ग्लूकोज, और फैट
फैट कैसे होता है, लाइसिन से, ठीक है, और प्रोटीन प्रोटीनेज एंजाइम होता है उससे, ठीक है। तो ये तीनों का हो गया। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि टाइम रहते आपको सारे 10 साल के क्वेश्चन पेपर के आंसर मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया द डिफेक्ट लाइन इन विच पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो जो बीटा चैन का जो पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड होता है, 6 नंबर का अमाइनो एसिड है ना, वो चेंज होकर के वहाँ पे लाइसिन आ जाता है। इस वजह से सिकल सेल एनीमिया आरबीसी बनती है। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वॉन लियेउनहॉफ, ठीक है। तो सिगमंड फ्रूड कौन थे, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा फ्रेंड, सिगमंड फ्रूड कौन है ना, साइकोथेरेपी देने वाले वैज्ञानिक है, साइकोथेरेपिस्ट बोल सकते हैं अपन, सॉरी साइकोथेरेपिस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये साइकोलॉजी के ही हैं, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन के खोज करता है, और हिपोक्रेट्स जो है आपका मेडिसिन से रिलेटेड है। रूबेला वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, ठीक है, तो रूबेला वायरस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ट्रैक्ट सेक्रेशन के थ्रू फैलता है, फैलता है, ठीक है, उसके थ्रू ये इंटर करता है बॉडी में। मिजल्स वायरस बिलोंग टू द जीनस, ठीक है, तो मिजल्स वायरस कौन से जीनस से है, मॉर्बिली वायरसेस, ठीक है, मॉर्बिली वायरस जीन से बिलोंग करता है मिजल्स वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस स्प्रेड थ्रू, ठीक है, तो कंटामिनेटेड ब्लड से ही हेपेटाइटिस सी, जितने भी हेपेटाइटिस वायरस है वो ब्लड से ही स्प्रेड होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, है ना, तो सी जो है आपको ब्लड से ही स्प्रेड होता है, ठीक है। ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब बाय फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटेड थ्रू, ठीक है, तो ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू, ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, जितने भी आपका अमोनिया है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और वाटर आ जाएगा, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द बोन सॉफ्ट इज कॉल्ड, ठीक है, तो बोन का जो इनर लाइनिंग होता है वो क्या कहलाता है, तो इंडोस्टेनम। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू, ठीक है, तो ये हो गया है द इनर लाइनिंग, ये भी हो गया है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसका रिजल्ट क्या मिलता है, तो अपन को क्या मिलता है, जायगोट मिलता है, ठीक है, ये भी हो गया। वन प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट स्लीप फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट इज इट, ठीक है, तो क्या अपन करेंगे, अवॉइड अवेकिंग क्लाइंट फॉर नॉन एसेंशियल टास्क, ठीक है। द प्रियो, ये भी हो गया। कॉजेज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, तो यूरिन रिटेंशन में कौन कौन से कॉजेज हो गए, एक को छोड़ के सभी इसका कॉजेज बनेंगे, ठीक है, तो यूज़ ऑफ डायोरेटिक्स, तो डायोरेटिक्स का यूज़ कब करते हैं, यूरिनरी रिटेंशन को रोकने के लिए, है ना, कम करने के लिए, तो ये यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी है डायोरेटिक का कॉजेज, प्रेशर ऑफ द ब्लैडर, ये भी है, पुअर फ्लूइड इंटेक, ये तीनों हैं, और ये नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि बाकी सबको छोड़ कर कौन सा इसका आंसर है ना, ऐसा होता है। कॉजेज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये हो गया। द डिवीजन ऑफ द नर्व सिस्टम दैट हैव एंटागोनिस्टिक एक्शन और अपोजिट एक्शन आर, ठीक है, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक जो है इसका अपोजिट एक्शन करते हैं। Which of the following is not associated with skeletal system? तो skeletal system से related कौन सा जो point है यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, production of blood, ये तो skeletal से related है, क्योंकि red bone marrow कहाँ से होता है आपका, red bone marrow से ही आपका RBCs बनते हैं, providing support भी provide करता है, helping in reproduction, तो reproduction में किसी प्रकार का help नहीं करते हैं bone, ठीक है, तो correct answer is this. Olfaction pertain its to the sense of smell, ठीक है, तो olfactory lobe पाए जाते हैं हमारे नाक में, उससे related है। The method for trimming nails is to, ठीक है, नाखूनों को trim करने की विधि क्या है, तो feel the nail straight across, ठीक है, तो straight करके उसको काटा जाता है। Which of the following is not located within the nasal cavity, ठीक है, तो वल्वा किससे रिलेटेड है आपका, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वल्वा।
इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन कौन से इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, तो एलर्जी होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, लीकेज, एग्लूटिनिन सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल नहीं है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल है, तो ये तीन है और एक्सेप्टेबल है, इसलिए ये इसका सही आंसर होगा। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ये हो चुका है। बेसिलरी डिसेंट्री इज एन एक्यूट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जीनस, ठीक है। तो कौन से बैक्टीरिया से होता है? सीजेला, ठीक है, सीजेला से होता है आपका बेसिलरी डिसेंट्री। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफाइन पॉइजनिंग, ठीक है। तो एसिटामिनोफाइन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करेंगे? एसिटाइल सिस्टरीन। बोन एज इज नॉर्मल इन जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर। विच इज द ऑप्टिमल डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफॉइड, ठीक है। तो साल्मो वो विडाल टेस्ट करते हैं, आप सभी को पता है, प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट, तो सबको पता है फीमेल एनाफिलीज है ना। अ चाइल्ड स्टार्ट क्रॉविंग इट, ठीक है। तो बच्चा चलना कब शुरू करता है? तो 8वें महीने से बच्चों में चलने की कला देखी जाती है। वीनिंग मस्ट बी स्टार्ट, ठीक है। तो वीनिंग क्या होता है आपका? 6 महीने के बाद जो भी आप खिलाते हैं बच्चों को, है ना, वो आपका वीनिंग में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वीनिंग में आता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वीनिंग स्टार्ट होता है। विच ड्रग मे बी एडमिनिस्टर टू अचीव फार्माकोलॉजिकल क्लोजर ऑफ पेटेन डक्ट आर्टेरियोसिस, तो एंडोमेथासिन, ठीक है, एंडोमेथासिन को यूज़ किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द कोलैप्स आर एयरलेस कंडीशन ऑफ द लंग विथ इन कम्प्लीट एक्सपेंशन, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें आपका जो एयर जो फेफड़ा मतलब कोलैप्स हो जाती है, लंग्स जो है कोलैप्स हो जाती हैं और एयर बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो ठीक है। तो एटेलेक्टेसिस में ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। पीपल विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम आर यूजुअली ओवरवेट और ओबीस, जो ओवरवेट वाले रहेंगे उन्हीं में ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। द एम ऑफ स्टरलाइजेशन इज टू क्रिएट एसेप्टिक एनवायरनमेंट, एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या नीडल वगैरह भी चुभ जाएगा तो भी उसे होता है। फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग द प्री ट्रेनिंग एट्रीब्यूट्स एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ काउंसलर आर, ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग में अगर देते हैं काउंसलर तो, ठीक है। द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज टू पीपल इवन इन रिमोट एरिया आर थ्रू, तो मास अप्रोच जो है इसमें मोस्ट कॉमन है। द हेल्थ एजुकेशन टू अ ग्रुप ऑफ एल्कोहलिक पीपल शुड बी एबल टू चेंज देयर बिहेवियर, हम हेल्थ एजुकेशन ऐसा दे जो कि उसके बिहेवियर को चेंज करे। विच इज़ अ कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर इन एडल्ट, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? इनलार्ज प्रोस्टेट भी है, कैथेटर बार बार यूज़ करना है ना, डायबिटीज़, ये सारे जो है इसके करेक्ट आंसर है। द टर्म यूज फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज अर्थराइटिस, आपके जो बोन होते हैं वो भंगूर होने लगते हैं ना, टूटने लगते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और बहुत पेन होता है अर्थराइटिस में। एन इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल काउंट इज इंडिकेट ऑफ विच डिजीज, ठीक है, तो ल्यूकेमिया। अ चाइल्ड विथ डिफिकल्टी इन ब्रीथ एंड अ बार्किंग कफ इज एसोसिएटेड विद विच कंडीशन, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्रूप, ठीक है, जिसको कुकुर खांसी बोला जाता है ना। एक बच्चे में सांस में तकलीफ एवं कुकुर खांसी किस बीमारी से संबंधित है? क्रूप। रेटिनोपैथी ऑफ परमा प्री मैच्योरिटी इज कॉमनली सीन इन, ठीक है, तो रेटिनोपैथी जो है बॉडी विथ कंजेनाइटल एनोमलीज वाले जितने बेबी होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 50 क्वेश्चन, है ना, ऐसे ही मैं 50 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगी। अगर आपने अच्छे से लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना, तो बाकी के 50 क्वेश्चन मैं और लेकर के आऊँगी जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर है, है ना, जो कि BSC MSC GNM सभी के लिए लाभदायक है। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए, तो जो क्वेश्चन के आंसर मैंने कमेंट करने बोले हैं वो भी कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।